कौन से इसमें डिस्क यूज में आता है। नए कारपेंटर भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको हरगिज यूज ना करें। तो गाइस नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सेटअप फर्नीचर। सो गाइस आज हम बात करेंगे एक ग्राइंडर मशीन की सहायता से आप कितना कितना काम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मान लीजिए एक ग्राइंडर मशीन को आप कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेटअप फर्नीचर। सो गाइस आज हम बात करेंगे एक ग्राइंडर मशीन के बारे में। इस ग्राइंडर मशीन से आप कारपेंटर काम में कौन कौन से काम कर सकते हैं। हालांकि ये तो ग्राइंडर मशीन बहुत सारे काम में आते हैं, लेकिन सिर्फ मैं कारपेंटर की बात करूँगा कि इस मशीन की सहायता से आप कारपेंटर काम आप कितना कर सकते हैं और कौन कौन से इसमें डिस्क यूज में आता है। तो जैसे मैं बताना चाहूँगा, ये भी एक डिस्क है जिससे आप स्टील कटिंग कर सकते हैं, लोहा कटिंग कर सकते हैं, या पीतल हो या तांबा हो, यानी कोई धातु हो इससे कटिंग कर सकते हैं। और एक ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क इस मशीन में यूज कर सकते हैं और इसे काम में ला सकते हैं। और इस तरह का ये भी एक ब्लेड है जो मार्बल कटिंग काम में आते हैं, टाइल्स कटिंग काम में आते हैं, तो कहीं कहीं हमारे कारपेंटर काम में इसे भी ज़रूरत पड़ जाती है यूज करने के लिए, तो ये भी ब्लेड इसमें यूज कर सकते हैं। और ये हमारा पेपर है, डिस्क पेपर आप देख सकते हैं, इसे भी यूज करते हैं, लेकिन इसे यूज करने के लिए हमें इस तरह की पैड की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं इस तरह के पैड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। एक तरह का एक भी डिस्क है, इसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे यूज करने के लिए एक ऐसा ही पैड आता है, लेकिन इस टाइप का नहीं आता है, वो चिपकाने वाला होता है, यहाँ पर टाइट करने वाला चूड़ी होता है। इसे टाइट करने के बाद में इसको प्रेसिंग की जाती है, प्रेस करके ये अच्छी तरह से चिपका दिया जाता है ऐसे रख करके। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि इस मशीन में कौन सा ब्लेड, कौन सा डिस्क आप यूज नहीं कर सकते जो कि खतरे से खाली नहीं है। वो ये ब्लेड आप हरगिज यूज नहीं करना, कटर ब्लेड इस मशीन में कभी भी यूज नहीं करना आप, नहीं तो क्या होगा, हाथ पांव कट सकती है, आपका कुछ भी नुकसान हो सकता है शरीर के अंदर, ठीक है। तो मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ब्लेड आप कभी भी यूज नहीं करें। अगर हमारे नए कारपेंटर भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको हरगिज यूज ना करें, कटर मशीन में ही यूज करें इसको, एक कटर ब्लेड, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कितने तरह का ब्लेड ऑलमोस्ट कारपेंटर काम में यूज़ किए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे यह फ़ायदा होगा कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।